लाइन रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मोमिन कराम, आज 26 रमज़ान को शरीयत कदा नूरखान बाज़ार में जो जनाब KCR साहब हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो रमज़ान के गिफ्ट पैक्स तकसीम करने के लिए भेजे गए थे उसकी तकसीम अमल में आई है। मैं सबसे पहले परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता हूँ, अहले बैत कराम का शुक्र अदा करता हूँ और KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये गिफ्ट्स पैक तकसीम हुए। और नखीबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हम दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं कि इस साल 24 मसाजिद और आशुखानों के लिए असद साहब की नुमाइंदगी और गोल्डी साहब की नुमाइंदगी और ख़ुद मेरी नुमाइंदगी पर 24 आशुखाने और मसाजिद पर मुख्तलिफ़ मुकामात पर सारे शहर हैदराबाद वरंगल में भी और दूसरे मुकामात पर भी तकसीम अमल में आ रही है। हम शुक्र गुज़ार हैं KCR साहब के और अल्लाह के और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, और हम चाहते हैं कि और दीगर शिया मसाजिद और आशुखानों को भी शामिल किया जाए। हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो गरीब और मुस्तहक आवाम में ये तकसीम किए जा रहे हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तमाम हिंदुस्तान की तमाम हुकूमत में से सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी तेलंगाना हुकूमत के अंदर आती है, मगर वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई ऐसा एग्जाम नहीं किया गया है आवाम के लिए, इसके ऊपर आप रुकने वक्फ बोर्ड होने के तले आप क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि सबसे ज़्यादा महंगा वक्फ बोर्ड है और सबसे ज़्यादा जायदादें यहीं पर है। तो हमने भी कई प्रपोजल रखे हैं और सलीम साहब चेयरमैन साहब से हमारी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा है कि दूसरे और जो मेंबर्स हैं उनसे भी गुफ्तगू कर कर हमने ऑक्सीजन बैंक के लिए कहा है कि किसी न किसी तरह ऑक्सीजन की फराहमी के लिए और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए इमदाद को आप शुरू करें। तो ये दो प्रपोजल रखे हैं, उस पर गौर हो रहा है इंशाल्लाह, उस पर भी ज़रूर अपने तेलंगाना से इमदाद क्यों की नहीं की गई है, जैसा ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जो है सो रमज़ान के किट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, वैसा वक्फ बोर्ड की जानिब से क्यों नहीं किया? अब ये वक्फ बोर्ड की जानिब से कल ही ये 21 लाख रुपए के करीब 2500 पैकेट्स को तकसीम अमन में लाया गया। कुछ पैकेट्स हफ्ते के दिन भिजाए गए और कुछ मंडे के दिन भिजाए जा रहे हैं। तो 21 लाख रुपये का इन्होंने इकदाम उठाया था, 21 लाख रुपये का अनाज जो है इन्होंने अपने तमाम अपने गुरबा में तकसीम करवाने के लिए अलग अलग मुकामात पर रवाना किया है। अभी कितने गेट तकसीम करे, कितने मजे में? कौन से? कितने मजेदार में तकसीम करे? ये जो वक्फ बोर्ड से तकसीम हुए हैं वो 2500 में से मेरे ख्याल से कुछ 1200 या 1500 अपने हफ्ते के दिन तकसीम हुए और बाकी के मंडे के दिन तकसीम होंगे। शुक्रगुजार हैं MLC साहब के रियाजुल अफंदी और शुक्रगुजार हैं हम कॉरपोरेटर डबलपुरा डिवीज़न जनाब अलमदार बालाजाही साहब जो मेहनत और मशक्क़त कर कर हर मुकाम पर हर जो भी मुसीबत है एरिया की उसको दूर कर रहे हैं, वो भी मौजूद थे यहाँ पर हमारी तकसीम में। और शेरियार बालाजाही साहब, उनके बरदर और हमारे बरदर मौजूद थे, सब ने मिलकर तकसीम किया है। अल्लाह इन सब को आबाद और शाद रखे।